दिल्ली में सनातन बोर्ड के लिए संतों की बैठक होने वाली है। 16 नवंबर को धर्म संसद होगी और दिल्ली में होने वाली धर्म संसद से पहले मथुरा में वृंदावन के सुदामा कुटी में संतों की बड़ी मीटिंग हुई है। मथुरा में हुई बैठक में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा है कि सनातन बांटता नहीं है, वो तो जोड़ता है, लेकिन सनातनियों को बांटने की कोशिश कौन कर रहा है, इसका रोड मैप दिल्ली की धर्म संसद में तैयार किया जाए। वहीं वक्फ बोर्ड की बैठक में हंगामे को लेकर ओवैसी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। दिल्ली में होने वाली धर्म संसद से पहले मथुरा में वृंदावन की सुदामा कुटी में संतों की बड़ी बैठक हुई है। 16 नवंबर को होने वाली धर्म संसद के एजेंडे पर चर्चा की गई। संतों की बैठक में देवकी नंदन ठाकुर शामिल हुए। उन्होंने बताया कि धर्म संसद में तीन बड़े मुद्दे रहेंगे। पहला, सनातन बोर्ड के गठन। दूसरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति। तीसरा, मंदिरों के प्रसादों में मिलावट को रोकना। 16 तारीख को सनातन धर्म संसद होगी दिल्ली में, खजूरी खास में, खादर में, ग्राउंड में, और वहाँ तीन मुद्दे प्रमुख है। बालाजी के मंदिर में जिन्होंने प्रसाद में मिलावट की है उन्हें कठोर सजा मिले, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो और सनातन बोर्ड का निर्माण हो जिससे सनातनियों का कोई भी नुकसान न हो सके, उनकी परंपराओं का नुकसान न हो सके। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन बांटता नहीं है, वो तो जोड़ता है, लेकिन सनातनियों को बांटने की कोशिश कौन कर रहा है, इसका रोड मैप बनेगा। हम न तो बांटते हैं और न हम काटते हैं। सनातनी हमेशा जोड़ता है, लेकिन सनातन को तोड़ने की राजनीति कौन कौन कर रहा है, जातियों में बांटने की, जातिगत जनसंख्या करवाने की बात कौन कर रहा है, इन सब का भी रोड मैप देख लिया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और वकील का कहना है कि सनातन बोर्ड के गठन के लिए देश के हर राज्य से PIL दायर होनी चाहिए, जिससे कोर्ट को इस मांग पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़े। एक जन चेतना के आधार पर घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएंगे, और दूसरा हम न्यायालय के द्वारा इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करेंगे, पूरे देश से रिटें दाखिल कराई जाएंगी, पूरे देश के लोगों को जागरूक करके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे कि इस वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए और सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, ये हमारा मांग। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की मस्जिदों को, जमीनों को और दरगाहों को हासिल करना चाह रहे हैं। आप काशी विश्वनाथ में बनाइए, कोई नॉन हिंदू को नहीं बना सकते, आप उड़ीसा में नहीं बना सकते, तमिलनाडु में नहीं बना सकते, तेलंगाना में नहीं बना सकते, आंध्रा में नहीं बना सकते। अमरनाथ जी यात्रा बोर्ड है, कितने नॉन हिंदू को बनाया आपने बताइए। यही तो हम बता रहे हैं, इनकी नीयत में, इनकी नीयत साफ नहीं है नरेंद्र मोदी की। कल जब ये बिल लेकर आएंगे पार्लियामेंट में तो बोलेंगे देखो मुसलमानों से हमने उनकी मस्जिद छीन ली, हमने दरगाह छीन ली, उन लोगों से हमने उनकी जमीन छीन ली, पहले झूठा प्रोपेगेंडा करे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड के बहाने राहुल गांधी गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है वक्फ बोर्ड के नाम पर ये भारत में राहुल गांधी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, और गृह युद्ध करवाने के लिए नए नए टूल किट बना रहे हैं, और ये लेकिन ध्यान रखें ये कांग्रेस के कुकृत, राहुल गांधी का ये सपना पूरा नहीं होगा। कथावाचक देवकी नंदन ने सनातन बोर्ड की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथियार रखी है उतनी जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। साथ ही चेतावनी दी है कि देश की संसद और एयरपोर्ट की जमीनें वक्फ बोर्ड की होने का दावा किया जा रहा है। हालात ऐसे ही रहे तो अगले 10-12 साल में पूरे देश पर वक्फ बोर्ड अपने हक जताएगा। ऐसे में सनातन बोर्ड के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना होगा और समर्थन करना होगा। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।